जय हिंद। आज हम आगे क्लास करते हैं। आज का हमारा विषय रहेगा संज्ञा पर्वत है। यदि आपने पिछले क्लास नहीं देखा है तो पिछले क्लास पहले देख लीजिए कि संज्ञा क्या चीज़ होता है, विकारी है कि अविकारी है ना, और संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो वो हमने पिछले क्लास में कवर कर लिया है। आज का हमारा टॉपिक है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब समझते हैं कि जातिवाचक संज्ञा क्या चीज़ है। ठीक है, किसी जातिवाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है? किसी एक ही प्रकार के समुदाय का बोध कराते हैं। कोई शब्द जो है, कोई नाम जो है, क्योंकि संज्ञा नाम चिन्ह नाम है, तो कोई नाम जो है एक ही प्रकार के समुदाय का जो बोध कराते हैं उसको हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो जैसे मनुष्य, इस शब्द को बोलने से क्या होता है? इस शब्द को बोलने से होता है कि संपूर्ण मनुष्य जाति, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। ठीक है, संपूर्ण मानव जाति या फिर संपूर्ण मानव जाति का बोध होता है ये मनुष्य शब्द कहने से, चाहे वो आदि मानव हो, यूपी का हो, बिहार का हो, या किसी देश का हो, किसी अन्य देश का हो। तो मनुष्य बोलने से पूरे जाति का बोध होता है। से लड़का, लड़का कहने से भी जाति का बोध होता है, लेकिन लड़का के बाद यदि हम राम बोलते हैं तब एक व्यक्तिवाचक बनता है, तब हम किसी एक लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन लड़का कहने से पूरे लड़कों का बोध हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है पुस्तकें, पुस्तक, पुस्तक भी एक जातिवाचक है। पुस्तक की जाति होती है, किसमें विभिन्न प्रकार के पुस्तक होते हैं, जिसमें धार्मिक हो है, धार्मिक है, गैर धार्मिक है, ब्राह्मण ग्रंथ है, जैन साहित्य है, और जो धर्म है उन सब का अपना अपना पुस्तक है, हम जो पढ़ते हैं वो अलग पुस्तक है। ठीक है, इस प्रकार पुस्तकों का भी एक जाति होता है। उसके बाद रहता है पर्वत, पर्वत पढ़ते हैं ना, हिमालय, हिमालय, अरावली, और हमारे सीजी में भी है, ये राजनांदगांव में साउथ में है, ये सब पहाड़े हैं। नदी कहने से पूरे नदियों का बोध होता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में कहीं भी हो। नदी, सागर, गांव, शहर, हाथी, गाय। ठीक है, ये है। अब ये देखिए, हमने पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ा था, आज जातिवाचक पढ़े हैं। दोनों में अंतर क्या है? जैसे मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि ये गाय है। ठीक है, गाय के बाद मैंने लिख दिया कामधेनु, कामधेनु, तो कामधेनु गाय का ही नाम है। जो कामधेनु है वो भी गाय का ही नाम है, लेकिन ये केवल किसी एक गाय के को प्रदर्शित कर रहा है। किसी एक कामधेनु कहने से हमारे हमें दिमाग में केवल एक गाय की चित्र बनती है। ठीक है, कामधेनु कहने से मात्र एक गाय की चित्र बनती है, जबकि गाय कहने से संपूर्ण गाय, काली, गोरी, मोटी, काली, जितने भी गाय हैं उस सबों का झुंड का समूह हमारे दिमाग में बन जाता है। तो ये होती है, तो ये होते हैं जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में अंतर। उसी प्रकार शहर है ना, शहर कहने से हमको पूरे भारत देश में जितने भी शहर हैं या पूरे विश्व में जितने भी शहर हैं उसका एक चित्र हमारे दिमाग में बनता है। लेकिन लेकिन जो है, यदि हम शहर का यदि नाम दे देते हैं, जैसे रायपुर, ठीक है, रायपुर कहने से केवल एक शहर ही हमारे दिमाग में आता है। तो ये होता है जातिवाचक संज्ञा, है ना, जातिवाचक संज्ञा। इसमें कुछ हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसी प्रकार कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे हैं आम के गोस्वामी, है ना, गोस्वामी। अब गोस्वामी कहने से हमें तुलसीदास जी का बोध होता है ना। पुरी कहने से, पुरी कहने से जगन्नाथ पुरी, जो ओडिशा में है, भगवान कृष्ण की मंदिर है ना, तो उस पुरी का बोध होता है। भारतेंदु कहने से जो हरिश्चंद्र हैं उनका बोध होता है। शर संवत कहने से विक्रम संवत का होता है, और देवी कहने से दुर्गा का बोध होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारे जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अगला चलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब देखिए द्रव्यवाचक क्या चीज़ है? ठोस, द्रव, गैस, मैंने पहले बताया था ना, प्राणीवाचक, अप्राणीवाचक, तो आप इसको अप्राणीवाचक में भी रख सकते हैं, है ना, इसको अप्राणीवाचक में भी रख सकते हैं। जैसे ठोस होगा लकड़ी है, लोहा है, मिट्टी है, तो इस प्रकार हैं, जैसे तेल, दूध, पानी, हवा, ये सब इस कुछ को लिक्विड में रख लीजिए, कुछ को गैस में रख लीजिए, सोना, चांदी, लोहा, ये आपके धातु हो गए, प्लास्टिक, कोयला, अभ्रक, हीरा, मोती, ये सब ठोस, द्रव, गैस, इस सब मिला के जो द्रव्य का वाचन करते हैं, जो द्रव्य में, देखिए
सबसे पहली बात तो ये है कि संज्ञा क्या होता है, किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं और हम अपनी सुविधा अनुसार है ना उसको कैटेगराइज करने के लिए किसी को हमने व्यक्तिवाचक बोल दिया, किसी को जातिवाचक बोल दिया और किसी को द्रव्यवाचक बोल दिया। तो तेल, दूध, पानी, हवा, लोहा है ना। अब आप यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे शब्द यूज़ किया तेल है ना, तेल यूज़ किया, तो ये आपके द्रव्यवाचक तो हैं, साथ में ये जो जातिवाचक भी है, ठीक है। तेल कहने से आपके दिमाग में सारी इमेज बनेंगी, चाहे वो पेट्रोलियम हो, खाने का तेल हो, बाल में लगाने का तेल हो, या किसी भी प्रकार का तेल हो, ठीक है। तेल कहने से एक जाति का बोध होता है, तो आप द्रव्यवाचक को जातिवाचक भी कह सकते हैं, ठीक है। द्रव्यवाचक को जातिवाचक भी कह सकते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद दूध, अब देखिए तेल में क्या हो गया, लगाने का हो गया, खाने का हो गया, शरीर में लगाने का हो गया, और बहुत सारे तेल हैं जो हमारी हमारी गाड़ियाँ चलती हैं, तो ये आपकी जातिवाचक में भी आ सकता है। तो ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको फंसना नहीं है, अच्छे से पढ़ के जाइएगा और कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। कोयला कहने से ये तो द्रव्यवाचक होगा, कोई कोई अगर अगर इसमें देखें भी तो कोयला का प्रकार आ जाता है ना, ऐसा देखेंगे। तो आपको जैसा जैसा उसमें क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिखते जाएगा, उसके हिसाब से आपको इसमें नोट करते जाना है। यदि तेल आ गया है ना, तेल में अगर पूछे कि ये कौन सा है, आपको शायद जाति भी दे दिया है और द्रव्य भी दे दिया है, तो फिलहाल आपको द्रव्य लगाना है। अगर द्रव्य नहीं रहता है, समूह है, व्यक्ति है, फिर अलग है, तो उसमें आपको जाति लगाना है, ठीक है। इस प्रकार अलग 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 होंगे। और कुछ उदाहरण उसके देख लेते हैं द्रव्यवाचक में, ठीक है। जहाँ कोयला होता है वहाँ हीरा भी मिलता है, ठीक है। ये देखिए एक वाक्य में प्रयोग किया गया है, एक शब्द है, जहाँ कोयला होता है, जहाँ कोयला होता है वहाँ हीरा मिलते हैं, हीरा मिलता है। तो देखिए इस कोयले का उपयोग तो हमने द्रव्यवाचक के लिए किया, लेकिन ये जो हीरा है ना, ये आपके भाव को बताता है, हीरा मतलब अच्छा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला हमारा कौन सा है, अगला हम पढ़ने वाले हैं समूहवाचक। अब आपको जाति और समूह में कुछ अलग पता चल लेगा, अब आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, वो कन्फ्यूज़न हम अभी यहीं दूर करने वाले हैं, ठीक है। समूह संज्ञा, समूहवाचक क्या होता है, जो किसी समूह का बोध कराए। वहाँ हम जाति देख रहे थे, यहाँ हम समूह देखने वाले हैं, ठीक है। एक वचन होता है, ठीक है। मेला, दल, सभा, सरकार, मंडली, दास्ता, कबीला, देश, टोली, पुलिस। अब जल्दी से अंतर समझ लेते हैं दोनों में क्या होता है। एक होता है समूहवाचक, तो लिखा हुआ है, जाति लिख लेता हूँ मैं, जातिवाचक। जातिवाचक में क्या होता था, एक ही प्रकार के लोगों का समूह था, एक ही प्रकार के लोगों का समूह था। जैसे एक ही प्रकार मतलब यदि मैं लड़का बोल दूँ, सॉरी, यदि मैं लड़का बोल दूँ तो केवल लड़कों का समूह रहेगा, ठीक है। यदि जातिवाचक में यदि मैं लड़का बोल दूँ तो केवल लड़कों का समूह रहेगा। गाय बोल दूँ तो पूरा गायों का समूह रहेगा, ठीक है। गाय बोल दूँ तो केवल गायों का समूह रहेगा। बैल बोल दूँ तो केवल बैल का ही समूह रहेगा, है ना, जातिवाचक में। लेकिन समूहवाचक में क्या है, समूहवाचक में क्या है, समूहवाचक में क्या होगा, ठीक है, मिट गया, मैं फिर से लिख देता हूँ, है ना। समूह में क्या होगा, जैसे गाय में पूरे गाय थे, चाहे काली हो या गोरी हो, ठीक है। लड़का में क्या था, पूरे लड़के थे, कोई भी लड़का हो। समूह में क्या होगा, समूह में जैसे हमने ले लिया मेला, तो मेला में तो अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं, ठीक है। सब्जी बेचने वाले, भाजी बेचने वाले, लड़का, महिला, पुरुष, बच्चा, बूढ़ा, है ना, नाच करने वाले, गाना गाने वाले, खाना बनाने वाले, खाने वाले, घूमने वाले, घुमाने वाले, तो ये मिक्स है ना। या फिर समूह का मतलब आप मिक्स समझ लीजिए, मिक्सचर, है ना। समूह का मतलब आप मिक्स समझ लीजिए, मिक्सचर समझ लीजिए। जैसे उसी तरह दल होता है, आपके दल में अलग अलग लोग होते हैं, है ना। कोई कोई जब दल चलती है ना, जैसे सेनाओं का दल चलता है, तो उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, उसमें जो मार्च करने वाले रहते हैं, जिसको गाइड करने वाले रहते हैं, डॉक्टरों की टीम चलती है, फायर ब्रिगेड की टीम चलती है, इस प्रकार इसमें अलग अलग लोग रहते हैं, ठीक है। ये आपको अंतर यहाँ पता चल जाएगा।
सभा में भी अलग अलग प्रकार के महिला पुरुष वृद्ध जवान बच्चे सब शामिल होते हैं। सरकार भी देख लेते हैं, पूरा मिली जुली है, कबीला हो गया, टोली हो गया, पुलिस हो गया। तो ये सब आपको इसी फैक्ट से समझना है कि समूह का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के लोगों का मिश्रण, जबकि जाति का मतलब है किसी एक ही प्रकार के लोगों का समूह, या फिर ऐसा कोई ऐसा कोई नाम जो एक ही प्रकार के समूह को प्रदर्शित करे। गाय कहने से आपको केवल गाय से ही होगा, चाहे वो गाय छोटी हो, बड़ी हो, काली हो या गोरी हो, केवल गाय ही पता चलेगा, ठीक है। लेकिन जैसे इसमें जानवर ले लेते हैं ना, ये जानवर, अब आपके जानवर में सब कुछ आ जाएगा, शेर, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, गाय, ये सब चीज़ जानवर में आ जाएगा। इवन इंसान भी जीव जंतु में ही आता है। तो ये होता है समूहवाचक संज्ञा। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, आप प्रैक्टिस करने के लिए और अधिक एग्जाम्पल का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन मैं बता दूँगा आपको कि मेरे द्वारा विगत 5-6 साल में जो CGPSC और व्यापम के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना, उसका एक सीरीज़ आएगा। जैसे हम पूरा हिंदी ख़त्म कर लेंगे या फिर हिंदी का कुछ पार्ट ख़त्म करेंगे, तो जब भी समय मिलेगा टॉपिक वाइज क्वेश्चन मैं लाने की कोशिश करूँगा, ये आपके लिए निश्चिंत रहिए। बाकी और आप यदि तैयारी करना चाहते हैं तो किसी और बुक से अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है हमारा 5वां प्रकार है भाववाचक संज्ञा। हमारा 5वां प्रकार है भाववाचक संज्ञा। जैसे है ना, आप लोग अभी भी जैसे मोबाइल में ऐसा कुछ बनाते हो ना, ऐसा इमोजी, ये ऐसा कोई इमोजी बना देंगे इस प्रकार, ये आप में भाव को दिखाते हैं, कुछ गुस्से वाले बनाते हैं ऐसा भावें चढ़ने वाला, तो ये ठीक है। भाव आपकी जो भाव है, गुण है, दोष, भाववाचक संज्ञा वो होती है जिसको हम टच नहीं कर सकते। जैसे जातिवाचक में एक किसी व्यक्ति को टच कर सकते हैं, समूह में किसी को टच कर सकते हैं। भाववाचक एक ऐसा है जिसमें आपको गुण दोष अवगुण है, गुण है दोष है अवगुण है गुण है, है ना, आपकी जो प्रे आपकी आपके अंदर जो इच्छाएँ हैं या फिर है ना आपके जो इमोशन हैं, उसको हम भाववाचक संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। अच्छाई, बुराई, बचपन, मोह, माया, ठीक है, ये होता है आपका भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब कई बार होते हैं कि भाववाचक संज्ञा को हम जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी कई बार देख लेते हैं, जैसे गुण को। अब गुण बहुत प्रकार के होते हैं, तो इसको हम जाति समझ लेते हैं। लेकिन मैंने पहले बताया है कि ऑप्शन के आधार पर आपको क्वेश्चन का आंसर का चयन करना होगा, ठीक है। तो भाव में देख लीजिए, कुछ यहाँ पे लिखे हैं, अच्छाई, बुराई, बचपन, माया, मोह, ठीक है। भाववाचक संज्ञा बनाना, देखिए भाववाचक संज्ञा बनाना, एक संज्ञा रहता नहीं, इसको बनाना पड़ता है, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं वो तो बन जाती हैं किसी भी चीज़ से, जैसे लकड़ी, पेड़, घोड़ा, गधा, लेकिन भाववाचक संज्ञा को बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है ये देखिए, भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनाया जाता है। पहला है आपका जातिवाचक से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। जातिवाचक से देख लेते हैं, पुरुष एक जाति है, पुरुषत्व, मानव एक जाति है, मानवता, ठीक है। सर्वनाम अपना, अपनत्व, निज से, निजत्व। विशेषण से भाव, जैसे मीठा आपका विशेषण है ना, जो मीठा शब्द है एक विशेषण शब्द है, मीठा एक विशेषण शब्द है, उससे बनता है मिठास। सुंदर से सुंदरता, उदार से उदारता, इस प्रकार। क्रिया से होता है थकान से थकावट, हंसना से हंसी, लड़ना से लड़ाई। अव्यय होता है परस्पर, परस्पर। वाहवाह से होता है वाहवाही, मनस होता है मनाही, इस प्रकार भाववाचक संज्ञा बना जाता है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मानव संज्ञा का भाववाचक क्या होगा, मीठा का भाववाचक क्या होगा, थकना का भाववाचक क्या होगा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन भाववाचक के पूछे जाते हैं, ठीक है। अब संज्ञाओं में कभी कभी परिवर्तन भी होता है, वो आपको पहचानना रहता है। कभी कभी आपको अगर ऐसा दे दिया जाता है तो आपको पहचानने आना चाहिए, किसी वर्ड में यदि दे दिया तो वर्ड की मीनिंग को समझ के आपको संज्ञा को समझना है। जैसे हम यहाँ कुछ उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे एक उदाहरण है कि भारत की आज़ादी में गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान था, है ना। मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, आप समझते जाइए। भारत की आज़ादी में गांधी जी का योगदान था, ठीक है, गांधी जी का योगदान था। तो यहाँ गांधी जी क्या चीज़ है,
गांधी जी आपका व्यक्तिवाचक है। और यही अब गांधी परिवार लिख दिए तो, गांधी परिवार लिख दिए तो क्या होगा, ये जातिवाचक में आ जाएगा कि हम उस परिवार की बात करें तो ये हमारा जातिवाचक में आ जाएगा। ठीक है, वैसे एक बोलें तो मेरा परिवार रायपुर में रहता है, मेरा परिवार रायपुर में रहता है, तो ये आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। लेकिन बोलेंगे कि इस कॉलोनी के सभी परिवारें, इस कॉलोनी की सभी परिवारें परिवारें अच्छी हैं, तो ये हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। तो कुछ कुछ शब्द ऐसे होंगे जो आपको पढ़ने के बाद ही समझ आएगा। एक फेमस उदाहरण है कि राम की विजय में, है ना, राम की विजय में या फिर राम की विजय विभीषण के कारण ही संभव हो सकी है। देखिए, राम की विजय में विभीषण या फिर राम का विजय विभीषण के कारण ही संभव हो सका है। तो हमने यहाँ जो विभीषण यूज़ किया है वो किसी व्यक्ति के लिए है, तो वो व्यक्तिवाचक हो गया। उसी प्रकार यदि हम बोलते हैं कि आज हर घर में एक विभीषण पाया जाता है, ठीक है, आज हर घर में एक विभीषण पाया जाता है, तो ये एक अलग ही प्रकार का संज्ञा हो जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, आज की क्लास में पूरे संज्ञा समाप्त हो गए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।